हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल निशु की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडा की भुजिया। सबसे पहले हमने प्याज को कट कर लिया है, टमाटर कट कर लिया, हरी मिर्च धनिया कट कर लिया है बारीक। उसके बाद हमने गैस को ऑन किया, एक हमने पैन चढ़ा लिया है उस पर। उसके बाद हम इसमें तेल डाल दिए, तेल हमारा गर्म हो गया था दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें जीरा डाल दिए, जो हरी मिर्च कट कर कर हम रखे थे 5-6 और डाल दी। उसके बाद हमने 2 प्याज कट कर लिया था बारीक, वो भी डाल दिए। सबको अच्छी तरह से चला लेंगे। जब हमारा प्याज थोड़ा भून जाएगा, उसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है। इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। हमने 2 बड़े बड़े टमाटर कट कर लिया था। उसके बाद सारे अंडे को हमने फोड़ कर रख लिया है। देखिए हमारा टमाटर भी भून गया। उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच। उसके बाद थोड़ा सा हमने जीरा मिर्च का भी पाउडर डाल दिया है। हमने लाल मिर्च का पाउडर नहीं ऐड किया इसमें। और सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद इसमें नमक भी ऐड कर देना है। देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है इसमें। उसके बाद सारे सबको अच्छी तरह से मिला लेना है, भून लेना है मसाला। उसके बाद जो हम अंडा फोड़ कर रख दिए थे, इसमें डाल देंगे दोस्तों। देखिए हमने डाल दिया और सबको अच्छी तरह से चला लेंगे दोस्तों। हमें चलाते रहना है तब तक जब तक हमारा अंडा अच्छी तरह से सूख ना जाए। देखिए हम बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। अब देखिए हमारा अंडा का भुजिया बिल्कुल रेडी हो गया बनकर। उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया है। देखिए दोस्तों, हमारा अंडा का भुजिया बिल्कुल रेडी हो गया बनकर। हमने सर्व करने के लिए रख दिया है। खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, इसके रोटी के साथ खा सकते हैं। हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए बाय।